तो मेरे पास ये फेशियल टिश्यूज़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको रखने के लिए ही एक अच्छा सा टिश्यू होल्डर बनाते हैं। बट थीम के अकॉर्डिंग मैं विंटेज थीम से ही रिलेटेड एक बॉक्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो एकदम इसी के साइज़ का मैंने एक बॉक्स ले लिया है। बहुत ढूंढने पे ही मुझे एक ऐसा बॉक्स मिला जो कि एग्जैक्ट इसी के साइज़ का था। तो सबसे पहले हमें बीच में से एक पोर्शन कट कर लेना है जहाँ से टिश्यूज़ को हम निकालते हैं, और साइड्स में जहाँ से ओपन होता है वहाँ पर मैं मास्किंग टेप लगा के इसको बंद कर दे रही हूँ। अब एक दूसरे कार्डबोर्ड से मैंने इसके कई सारे पीसेस निकाल लिए हैं और इस बॉक्स के ऊपर हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। तो बॉक्स को एक साइड से मैंने बंद कर दिया है, जो दूसरी ओपनिंग है वहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पेपर लगा दे रही हूँ। ये मैंने क्यों लगाया है वो आपको बाद में मैं बताऊँगी। तो बाकी सारी साइड्स पर भी मैं इसी तरह से कार्डबोर्ड यहाँ पर चिपका दे रही हूँ, और साइड्स में मैं मास्किंग टेप लगा दे रही हूँ जिससे कि ये एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाए। तो मैं तो यहाँ पे टिश्यू बॉक्स बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो सेम इसी प्रोसेस से आप ज्वेलरी बॉक्स या फिर बैंगल बॉक्स या फिर ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। ऊपर से सारे कार्डबोर्ड चिपकाने के बाद अब मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ, अच्छे से इसे क्रश कर लिया है, और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको इस बॉक्स के ऊपर चिपकाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर फेविकॉल और पानी का एक सोल्यूशन बना लिया था, और उसी को लगा के मैं टिश्यू को इसके ऊपर चिपकाऊँगी और पूरे बॉक्स को कवर कर दूँगी। तो टिश्यू को मैंने क्रश करके इसलिए चिपकाया है ताकि इस बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर आ सके। अब मैं लूँगी मोल्डेड क्ले और इससे मैं कुछ लीव्स जैसे शेप्स बना के ये जो बॉक्स की ओपनिंग है वहाँ पे मैं चिपका रही हूँ। अब क्योंकि हमें इसे विंटेज लुक देना है, तो मैं कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा एंटीक पीस लगे। अब अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं तो आप उससे डायरेक्टली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं क्ले से, और डायरेक्टली इस पर पेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरे पास नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं होगा, तो इस प्रोसेस से आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो अब मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ जेसो, और यहाँ पे मैं होममेड जेसो का यूज़ कर रही हूँ। तो पूरी तरीके से आपको इसको जेसो से कवर कर देना है। वैसे आप चाहे तो जेसो वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट उसको अप्लाई करने से एक अच्छा बेस मिल जाता है पेंट करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। और अब हम इस बॉक्स को कम्प्लीटली ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर, और इसको मैं स्पंज की हेल्प से हल्का हल्का डैब करते हुए बॉक्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर का यूज़ किया है, और बहुत ही हल्का हल्का पहले मैंने स्टार्टिंग में लगाया ताकि मुझे डर लग रहा था कि ये ख़राब ना हो जाए और गंदा सा ना दिखने लगे। तो आपको भी अगर ऐसा डाउट रहता है तो बहुत हल्का हल्का सा पहले अप्लाई करके देखिए। तो पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर अप्लाई किया, फिर उसी के ऊपर मैं डार्क ब्राउन कलर कर रही हूँ जिससे कि एक एंटीक वुडन लुक इसका आ चुका है। अब मैं ले रही हूँ गोल्डन एक्रीलिक कलर, और साइड में ये जो हमने एक स्ट्रिप लगाई थी उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर लगा रही हूँ, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसको भी हम गोल्डन कलर से ही हाईलाइट कर देंगे। अब इसकी एक साइड हमने इसलिए खुली रखी थी ताकि हम वहाँ से टिश्यू पेपर्स को अंदर डाल सकें, और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा बॉक्स उठा के इसके अंदर रख दूँगी। और एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड भी मैंने इसलिए लगाया था ताकि इसको खोलने और बंद करने में आसानी हो। तो पीछे मैं क्या करूँगी, एक डबल साइडेड टेप या मास्किंग टेप लेके आप इसको चिपका सकते हैं, क्योंकि इसको आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा बॉक्स बाहर लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा आपको मिलेगा। बट इसे हमने घर पे बना लिया है, एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। सो नाउ फॉर नेक्स्ट DIY, हमें चाहिए कोई भी इस तरीके का बॉक्स। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी सारी साइड्स को ओपन कर लिया है, और पूरा खोलने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ से हमें इसे कट करना है। तो चारों साइड्स में मैंने कुछ इस तरीके के झरोखे जैसे शेप्स कट कर लिए हैं। एक्स्ट्रा पेपर निकाल देना है, और ऊपर आपको जितनी इसकी हाइट रखनी है उतना ही आप लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट आप कट कर दीजिए। और यहाँ पे मैं जिस तरह से कट कर रही हूँ कुछ उसी तरीके से आपको शेप बना के कट कर लेना है। तो एक्चुअली मैं पहली बार ऐसा कुछ बना रही थी, सो आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं किस तरीके का शेप कट करूँ ताकि मुझे डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर मिल सके। तो बहुत दिमाग लगा लगा के और बहुत तामझाम करके मैं एक एक स्टेप मूव कर रही थी, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का शेप फिर कट किया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने छोड़ दिया था ताकि हम इसको स्टिक कर सकें।
तो अभी इतना पार्ट रेडी होने के बाद जहाँ से हमने इसको खोला था वापस से हम इसे वहीं से चिपका देंगे। अब ऊपर की साइड से जो हमने इसको कुछ इस तरीके से कट किया था वहाँ पे भी हम इसको चिपका देंगे। और इसको एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए मैंने जहाँ भी इसके जॉइंट्स थे वहाँ पे मास्किंग टेप लगा के इसको और अच्छे से फिक्स कर दिया है। और जितनी भी मैं इसके बेस स्ट्रक्चर में मजबूती दे सकती थी वो सारी मैंने देने की कोशिश की है। अब कोई भी रफ पेपर या न्यूज़पेपर से मैं कुछ पेपर ट्यूब्स बना लूँगी और इन ट्यूब्स की हेल्प से ही हम पेपर को कुछ एक्स्ट्रा शेप देंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करेंगे। इसके बाद एक और पेपर लेके मैं उसको क्रश कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ चार ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं और चारों ट्रायंगल्स को हम इस तरह से चिपकाएंगे कि एक पिरामिड बन जाए। तो ये ऊपर का पार्ट भी कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने बहुत तामझाम और बहुत दिमाग लगा के डिसाइड किया कि इसको इस तरह बनाते हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये बनेगा कि नहीं, बट फाइनली ये बन गया। और इसमें भी अब हम पेपर ट्यूब की हेल्प से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का शेप हमने रेडी कर लिया है और अब इसको ऊपर से हैंग करने के लिए मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे बना के चिपका लूँगी। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के ट्यूब्स का ही यूज़ किया है बाकी सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो एक रिंग जैसा शेप बना के मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब मैंने चार कार्डबोर्ड एक साथ चिपका लिए हैं और इसकी एजेस को मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूँगी। तो अब सारे बेसिक शेप्स रेडी हो गए हैं और इनको मैं एक साथ असेंबल कर दूंगी जिससे कि हमारा एक विंटेज लैम्प जैसा एक बेस रेडी हो जाएगा। अब मैंने वॉल पुट्टी में पानी और फेविकॉल मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लिया है और पूरे पीस को हम इसे कवर कर देंगे। और ड्राई होने के बाद अब मैं फिर से पेपर ट्यूब्स ले रही हूँ। तो अब जो हमने झरोखा वाला पार्ट बनाया था वहाँ पर मैं खिड़कियाँ लगा दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने पेपर से इसको शेप दे दिया है और यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। पेपर ट्यूब्स को फिल करके यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। तो तीन साइड्स को तो मैंने कवर कर लिया है, जो चौथी साइड है तो यहाँ पे मैं इसको कम्प्लीटली नहीं चिपका रही हूँ, बस एक साइड से मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसको चिपका दिया है और दूसरी साइड में इसका एक हैंडल बना दे रही हूँ ताकि हम इसको ओपन कर सकें। और ये ओपनिंग हमने इसलिए बनाई है ताकि यहाँ से हम लाइट्स या फेरी लाइट जो भी आपको इसके अंदर रखना है वो आप यहाँ से रख सकें। तो विंटेज पेंटिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले बेस में हमको ब्लैक कलर करना होता है क्योंकि ये चीज़ें इतनी पुरानी होती हैं, तो एक ऐसा लुक हमें क्रिएट करना होता है ताकि थोड़ा सा पुराना ये दिख सके। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लू कलर से हल्का हल्का डैब करते हुए इसको पेंट कर रही हूँ। तो आप हमेशा इसको कलर करने के लिए स्पॉन्ज का ही यूज़ करिए जिससे कि एक अच्छा इफ़ेक्ट इस पे आता है। और लास्ट में मैं सिल्वर पर्ल कलर से इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ और ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी नेक्स्ट DIY के लिए पहले मैं इसकी एक बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं एक एडवेंचर मूवी देख रही थी, अनचार्टेड। तो उसमें क्या होता है ना कि एक खजाना होता है और उसका मैप और उसकी चाबी ढूंढनी होती है। तो वहीं से इंस्पायर होकर मेरे दिमाग में भी आइडिया आया कि यार ऐसा ही कुछ बनाते हैं और सोच के भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ऐसे ही एक DIY हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड से एक फ्रेम रेडी कर लिया, उसके बाद एक पुराने कपड़े से जो भी है वो निकले थे तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है और चिपका दिया है। और बेस में मैं सबसे पहले ब्लैक कलर कर दूँगी एंड इसको अब मैं गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन पर्ल एक्रीलिक कलर का ही यूज़ किया है। और जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट DIY मैंने कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर्स को यूज़ करके बनाया। सेकेंड DIY में मैंने बॉक्स और न्यूज़पेपर यूज़ किया। और थर्ड DIY में हम यूज़ करेंगे कॉफ़ी का। जी हाँ, हम कॉफ़ी का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पेपर मैंने ले लिया और उसे क्रश कर लिया और फिर कॉफ़ी में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ और इसको हम पेपर के ऊपर पेंट कर देंगे। तो सिंपली इसको कम्प्लीटली आपको पेंट कर देना है और इसके बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये ड्राई हो जाएगा।
अब साइड में से मैं पेपर को एक स्क्वायर शेप में फाड़ ले रही हूँ। आपको नीटली नहीं कट करना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसको फाड़ लेना है, जिससे कि एक विंटेज पेपर वाला लुक आएगा। इसको और थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए हम इसके जो साइड्स हैं उसको जला देंगे और एक बहुत ही अच्छा सा इसका लुक क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रोसेस से आप विंटेज पेपर बना के आप इसे ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लव वंस को कुछ नोट्स या फिर लेटर लिख के उसमें दे सकते हैं। अब क्ले की हेल्प से मैं यहाँ पे एक विंटेज की बना लूँगी। आप चाहें तो होममेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी हमेशा ही होममेड क्ले का ही यूज़ करती थी, बट मुझे क्योंकि टाइम पे वीडियो कंप्लीट करना होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ड्राई होने में, और उसको बनाने में भी मेरा काफ़ी टाइम चला जाता था, तो इसके लिए मैं अब ज़्यादातर मोल्डेड क्ले का यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा काम आसान हो जाए। बाकी आप चाहें तो कोई भी क्ले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये की हमने बना के रेडी कर ली है और एक दो घंटे में ही ये ड्राई हो जाती है। अब हर बार की तरह सबसे पहले बेस में हम ब्लैक कलर करेंगे और गोल्डन कलर से हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो लग रही है ना बिल्कुल एंटीक की, तो आप इस तरह से की रिंग भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इस की को मैंने बीच में पेस्ट कर लिया और ये रहा इसका फाइनल लुक।